और ध्यान से आप इसको समझें, एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा। देखिए बेटा, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, पीडीएफ अभी डाउनलोड हो रही है, एक मिनट डाउनलोड हो जाए बेटा। देखिए बेटा, इसमें जो है टू चार्जेस, जो एग्जांपल 2.1 है, थोड़ा तो जूम कर दूं इसको मैं, ठीक है बेटा। देखिए टू चार्जेस, ध्यान से देखें बेटा, टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड −3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है बेटा। एट व्हाट पॉइंट्स का सेंस हुआ मोर देन 1 पॉइंट, ठीक है बेटा। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो, ठीक है। इंफिनिटी पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो आप इसमें ध्यान से देखें बेटा, इसमें देखिए जो यहाँ पर चार्ज है Q1 वो 5 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 −3 × 10⁻⁸ कूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 0.16 मीटर। तो देखो बेटा, एक जो पॉइंट होगा पोटेंशियल किस पॉइंट पे जीरो है, एक तो होगा बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। तो हमने इसमें यहाँ पर पॉइंट लिया, ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। तो देखिए ध्यान से बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। तो जो पोटेंशियल ये V1 होगा वो पॉजिटिव होगा और V2 नेगेटिव होगा, क्योंकि बिकॉज Q2 इज नेगेटिव। इफ पोटेंशियल इज जीरो दैट मीन्स V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो बेटा। तो 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, हमने एक्स डिस्टेंस मानी है तो Q1/X हो जाएगा बेटा। टोटल डिस्टेंस 0.616 मीटर है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगा 0.16 माइनस एक्स बेटा। तो V1 + V2 इक्वल टू जीरो। तो देखो V1 जो है, V1 + V2 ये 1/4πε0 है, ये Q1 upon X बेटा प्लस Q2 अपॉन जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 0.16 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये जो 1/4πε0 ये जीरो में चला जाएगा बेटा। हमारे पास जो रह जाएगा इसमें जो रिमेनिंग स्टेप है वो ये रह जाएगा Q1 upon X प्लस Q2 upon 0.16 माइनस एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 फ्रॉम हियर टू इन दिस इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। आपने वैल्यू पुट की बेटा, जब वैल्यू पुट की तो देखिए ये स्टेप आ गया, 10⁻⁸ कॉमन लेके ये जीरो में चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास स्टेप जो रह जाएगा, ध्यान से देखें, जो हमारे पास स्टेप रह जाएगा बेटा वो रह जाएगा 5 upon X, 5 upon X −3 upon 0.16X। क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जो ये आएगा एवरेज उसका जीरो मल्टीप्लाई करने तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सेंस इसका ये बेटा कि आप 0.8 − 8X = 0, तो 0.8 = 8X इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने एक्स फाइंड कर लिया, एक्स फाइंड किया तो मान लीजिए 1/10 मीटर या 0.1 मीटर आ गया। तो हमने अभी जो है 1 पॉइंट फाइंड किया एट विच पोटेंशियल इज जीरो, तो V1 + V2 जीरो हो गया। इसमें हमको ध्यान क्या रखना, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल इज नेगेटिव। लेकिन वो पूछ रहा पॉइंट्स बेटा, तो पॉइंट्स का सेंस ये हुआ कि एक अनदर पॉइंट होगा जिस पर पोटेंशियल जीरो होगा, और अनदर पॉइंट क्या होता बेटा, जो चार्ज है उनका आप मैग्नीट्यूड लें, तो मैग्नीट्यूड में जो स्मॉलर चार्ज है बेटा मैग्नीट्यूड में, ठीक है, पॉइंट उसके नियर होगा। तो पॉइंट, अनदर पॉइंट इज सिचुएटेड नियर द स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। तो हम देखिए Q1 और Q2 देखेंगे, तो देखिए मैग्नीट्यूड में स्मॉलर कौन है, यहाँ पर आपका Q1 जो है 5 × 10⁻⁸ है बेटा, और ये जो Q2 है अगर हम इसका Q2 का मैग्नीट्यूड निकालें तो आपका ये 3 है, 3 × 10⁻⁸ बेटा। तो चार्ज Q2 जो है वो स्मॉलर है मैग्नीट्यूड में, तो पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इज सिचुएटेड नियर द चार्ज Q2, तो Q2 चार्ज के नियर में आपका पॉइंट होगा बेटा। तो हमने मान लिया बेटा, ध्यान से देखें, पॉइंट इज सिचुएटेड नियर द चार्ज Q2 एट द डिस्टेंस x बेटा, ठीक है। तो इस ये डिस्टेंस आपका 0.16 मीटर है, ये हमने x माना। सो पोटेंशियल, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होता है, V1 + V2 = 0, तो 1/4πε0 ये कॉमन आ जाएगा बेटा यहाँ से, Q1 upon 0.16x
प्लस क्यू टू अपॉन एक्स, ठीक है, ये देखिए यहाँ से इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ से ये वाला स्टेप जो है सभी जीरो चला जाएगा, ये स्टेप हमारा आ जाएगा बेटा। अब क्यू वन क्यू टू आप वैल्यू पुट कर दें तो ये आपका फिर एक्स पॉइंट सिक्स मीटर आ जाएगा। तो जब आप चार्ज क्यू वन लेंगे, क्यू वन तो क्यू वन अपॉन ये पूरा डिस्टेंस आएगा बेटा, पॉइंट वन सिक्स अपॉन एक्स आएगा, पॉइंट वन सिक्स प्लस एक्स आएगा बेटा। और Q2 अपॉन डिस्टेंस लोगों तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो Q2 अपॉन डिस्टेंस तो Q2 अपॉन x आ गया बेटा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर बेटा ये आ जाएगा। तो मैंने ये जो पहला क्वेश्चन समझाया बेटा, कितने स्टूडेंट के बेटा अगर नहीं समझ आया बेटा तो अपना एक बार हाथ खड़ा करके बेटा आप बेटा पूछ सकते हैं, जिसकी समझ में नहीं आया बाई चांस, ठीक है। तो एक बार आप पूछ सकते हैं बेटा। अब जो है इसके बाद जो है आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। अब आप देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर जो है उसको देखें, अभी मैंने बंद कराया बेटा, अब टू देखिए आप, क्वेश्चन नंबर टू जो है उसको रीड करिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर टू बेटा। ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रो कूलम। ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। जो हेक्सागोन जिसमें सिक्स साइड होती है बेटा और उसके हर उस पे 5 माइक्रो कूलम है, ठीक है, और 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। और हेक्सागोन की साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, तो साइड 10 सेंटीमीटर है एंड चार्ज ऑन द ईच वर्टिसेस 5 माइक्रो कूलम है। तो देखिए हेक्सागोन में सिक्स आपके कॉर्नर होंगे, सिक्स एजेज होंगे और सिक्स एज पे मतलब आपको चार्ज है। तो देखिए ये हेक्सागोन है, इसमें जैसे वन एक आपका ये वर्टिस होगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स बेटा, और इन सिक्स वर्टिस जब चार्ज है तो चार्ज कितना है, फाइव इंटू टेन माइनस सिक्स कूलम, और जो डिस्टेंस है साइड है वो आपका पॉइंट वन जीरो है। तो देखो बेटा अगर साइड आर है तो वर्टिस से सेंटर तक तो हर जगह ये आर आर होगा डिस्टेंस भी, अगर आप सेंटर निकालना चाहें तो डिस्टेंस आर आएगी हर किसी चार्ज से बेटा। तो यहाँ पे आर जो है साइड के ऊपर हो जाएगी और साइड हमें दे रहा 0.10 मीटर। पोटेंशियल वी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू 9 क्यू अपॉन आर, ये बन चार्ज ड्यू टू बन चार्ज, बट देयर इज ए सिक्स चार्ज और सिक्स वर्टिसेस, ठीक है, आपके सिक्स वर्टिसेस हैं तो सिक्स चार्ज कंसीडर होंगे, तो सिक्स आप कर देंगे मल्टीप्लाई बेटा। तो आपने ये Q की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो ये पोटेंशियल जो है आपका फाइंड हो जाएगा यहाँ पे 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 2.2 बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 बेटा, आई रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3। देखिए बेटा टू चार्जेस 2 माइक्रो कूलम एंड माइनस 2 माइक्रो कूलम। देखिए प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा डाइपोल होता बेटा, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, ठीक है। टू माइक्रो कूलम एंड माइनस टू माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी है बेटा, और कितनी डिस्टेंस पे रखा है, सिक्स सेंटीमीटर रखा है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सिक्स सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा या 0.06 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। देखो बेटा ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल है, और मैंने आपको बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो मतलब आपको बताया इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल है ये, और इलेक्ट्रिक डायपोल केस में मैंने आपको बताया था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है बेटा वो क्या होता है, मिडिल पॉइंट से जो वर्टिकल प्लेन होता है, ये इक्विटोरियल लाइन होती है बेटा, इससे एक वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है, ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस तरह बिहेव करता है बेटा, बिकॉज एट दिस एट ईच पॉइंट ऑफ दिस प्लेन पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। इक्विटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होता है, ड्यू टू डायपोल जीरो होता है बेटा, ठीक है। तो एक आप यहाँ से वर्टिकल प्लेन खींचेंगे वो इक्विपोटेंशियल को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रो कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम चलेंगे तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। तो ये वर्टिकल प्लेन व्हिच इज पासेस थ्रू मिडिल पॉइंट इज बट एज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, और पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है।
और एक जो उसमें दे रहा था, जैसे जैसे ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो दूसरा जो आपके बुक में दे रहा था कि इस तरह से ये सर्किल्स बने हुए थे, ठीक है, ये भी इक्व पोटेंशियल का एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ये, तो ये भी इक्व पोटेंशियल शो करते बेटा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, हाँ इस तरह से ये भी हो सकता है। 2.4 नेक्स्ट जो है बेटा, 2.4 एग्जाम्पल आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करें आप। 2.4 बेटा ध्यान से देखें आप, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, देखिए जो रेडियस है बेटा वो 12 सेंटीमीटर है, हैज ए चार्ज क्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁷ कूलाम, 1.6 × 10⁻¹⁷ कूलाम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट सरफेस, उसकी सरफेस पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट ए पॉइंट, तो हमको बेटा ये बनाना है, आपको बताना है कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जस्ट आउटसाइड मीन सरफेस पे एंड एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा ये जो है गॉसियन सरफेस का वो है, और इसमें क्या होता है कि चार्ज जो होता है इस तरह से बिहेव करता है कि चार्ज जो है सेंटर पे रखा हुआ है, तो जो एप्लीकेशन थी गॉसियन सरफेस की उसी एप्लीकेशन हो जाएगा, पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, पॉइंट इनसाइड द सरफेस एंड ऑन द सरफेस बेटा। तो देखिए तो इसमें जो है जब आउटसाइड द सरफेस होगा बेटा तो क्यू अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम सेंटर, अगर सरफेस पे होगा तो क्यू अपॉन हम आर ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे क्यू अपॉन रेडियस, तो वहां से बेटा निकल जाएगा, ठीक है। इनसाइड होगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो उसी इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे। तो देखो बेटा रेडियस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.12 मीटर, चार्ज जो है 1.6 × 10⁻¹⁷ और ये चार्ज इसके सेंटर पे रखा मानेंगे, ठीक है बेटा, ये रेडियस है आपकी कैपिटल आर और ये पॉइंट तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर बेटा। फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला हम इसे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसको यूज करेंगे, अंदर चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है बेटा, इनसाइड इनसाइड जो है चार्ज जीरो होता है बेटा, आप अगर इसकी जगह जीरो पुट कर देंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो चार्ज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जो है कि सरफेस पे आप निकालो बेटा तो ई इक्वल टू 1/4 πε₀ q/r² यहाँ पे आर कैपिटल आर रेडियस है बेटा, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर 0.12 स्क्वायर, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ 1/4 πε₀ ये 9 × 10⁹ है बेटा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा 10⁵ N/C। अब वो कह रहा कि पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, इसका सेंस है कि जो आर है वो 18 है, ध्यान से देखें आप, जो पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो 18 है और रेडियस 12 है, तो इसमें स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका सेंस है पॉइंट आउटसाइड द सरफेस है बेटा। तो डिस्टेंस दे रहा 18 सेंटीमीटर, हमने इसे 100 से डिवाइड किया तो 0.18 मीटर आ गया बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो आपकी डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल आर है तो क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ 1/4 πε₀ चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.4 × 10⁴ N/C। तो इसमें क्या था बेटा, जो ये क्वेश्चन है इसमें रेडियस दे रहा है, चार्ज दे रहा है, अगर आप इनसाइड निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इनसाइड क्या होता है चार्ज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस फॉर्मूले में चार्ज जीरो कर दें आप तो आपको ये आ जाएगा, अगर सरफेस पे है तो क्यू अपॉन चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर हो जाएगा बेटा, चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर हो जाएगा, आउटसाइड है तो चार्ज अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर बेटा, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 बेटा, उसको ध्यान से देखें एक बार रीड करें, 2.5 एक बार आप रीड कर लें बेटा, ठीक है, सभी स्टूडेंट रीड करें 2.5 क्वेश्चंस को बेटा, 2.5 क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। देखिए बेटा जब 2. आपने क्वेश्चन रीड किया तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बेटा, देखिए 2.5 का लैंग्वेज आप देखें, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस 8 pF, देखिए कैपेसिटेंस यहाँ पर हम सी नॉट मान लेते हैं एयर में, तो एयर में जो कैपेसिटेंस है आप सी या सी नॉट मान सकते हैं, तो सी नॉट लिया 8 pF है,
पिको फैरड। लेकिन हमारा फैरड इसकी यूनिट होती बेटा, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरड बेटा। तो पिको फैरड को हमने फैरड में कन्वर्ट किया, 10 टू माइनस 12 दिया बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा सी नॉट हो गया बेटा, जो एयर में था वो कैपेसिटेंस है, ये गिवन है। इसके बाद जो लैंग्वेज है उसको ध्यान से देखें बेटा, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस बाय हाफ। पहले डिस्टेंस डी था और अब हाफ कर देंगे तो अब लेंगे डिस्टेंस डी बाई, ठीक है बेटा। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए डिस्टेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6। अब उसमें डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 का एक डायलेक्ट्रिक स्लैब आ गई। तो पहले ईयर में दे रहा था और उसके बाद जो सेकंड केस आया, जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ, डिवाइड टू कर दिया, और एक डायरेक्टिक स्लैब इज टेकन ऑफ डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट 6 बेटा, ठीक है, और फील्ड है, फुलफिल्ड कंडीशन है। तो देखिए इसमें हम सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लेंगे बेटा, और जब हम उसको लेंगे फील्ड कंडीशन में तो फील्ड कंडीशन वाला लेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो किस तरह सॉल्व हो रहा है, ये जो फॉर्मूला है एयर में कैपेसिटेंस का, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये दे रहा आपको 8 फैरड, 8 इंटू 10 टू माइनस 12 फैरड बेटा। अब डिस्टेंस डीवाई टू हाफ कर दिया और के इक्वल टू 6 आ गया बेटा। तो इसमें देखें ध्यान से, जब डिस्टेंस डीवाई टू कर दिया डिस्टेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया इंटू अपॉन डिस्टेंस बेटा, तो डीवाई टू डिस्टेंस हाफ है और यहाँ के और आ गया क्योंकि ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का आपने इसमें सबस्टेंस फिलअप किया। के की वैल्यू देखिए इसमें जो है यहाँ पर के इक्वल टू 6 है बेटा, ठीक है। तो देखिए ये 2 जो है 2 जाएगा ऊपर तो 2k आ जाएगा, 2k आ गया और यहाँ पर 2k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। और इसमें क्या हुआ देखिए ध्यान से, के एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पर आपको ए को बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है बेटा, यहाँ पे ये ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऊपर ले जाओगे आप तो 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी जो है वो आपका सी नॉट है बेटा, सी नॉट, ठीक है। तो 2k c नॉट, अब k की वैल्यू 6 से रख दीजिए और c नॉट की वैल्यू बेटा 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 96 पिको फैरड बेटा। तो आप एक बार फिर ध्यान सुन लें, जो एयर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बेटा एयर में, तो वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। ये हमारा इसका सिंबल हमने c नॉट लिया, तो ये 8 पिको फैरड है और यहाँ पर जो है 10 टू दी पावर माइनस 12 फैरड हो जाएगा, ठीक है। डी डैश इज इक्वल टू जो है बेटा डिस्टेंस जो है इसकी ये हाफ हो गई, ठीक है, डिस्टेंस हाफ कर दी और इसमें जो है डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट 6 का एक डायरेक्टिक स्लैब फुलफिल कंडीशन दी, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डिस्टेंस डी वाई, तो 2k एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे बढ़ा देना, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह सी नॉट हो गया, तो 2k सी नॉट आ गया बेटा। अब आप k की वैल्यू 6 पुट कर दें, सी नॉट 8 पुट कर दें, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 96 पिको फैरड। तो बेटा अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बेटा उसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट। अब आप देखिए ध्यान से बेटा, जो नेक्स्ट है आपका 2.6 क्वेश्चन, मैं 2.6 रीड करता हूँ, ठीक है बेटा, एक बार आप ध्यान से देखें 2.6 बेटा। देखिए 2.6 को आप रीड करिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.6 बेटा। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैरड, 3 कैपेसिटर्स हैं बेटा, तो इसका सेंस हुआ कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 9 पिको फैरड। ये सभी जो है 9 पिको फैरड के इक्वल हैं, C1 C2 और C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो जो सीरीज में जो फॉर्मूला होता है बेटा आप वहां पे इसका यूज करेंगे, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन C2 इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, तो यहां से रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सी फाइंड हो जाएगा। अब आपको दे रहा बी पार्ट, बी पार्ट देखिए,
What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt? अब देखिए 120 volt ये connect है, B आ जाएगा, तो हम उससे formula होता है Q equal to CV, तो total charge आएगा बेटा, और ये charge हर capacitor पे होगा। एक यहाँ से भी find कर सकते हैं, या ये देखिए तीनों capacitor एक जैसी capacitance के हैं, तो capacitance भी यहाँ पर same दे रहा है, charge भी same है, तो potential भी same होगा। तो 120 volt को 3 parts divide कर दें, 40, 40, 40 का जाएगा। तो इसमें देखिए जो सॉल्यूशन है, एक बार उसका सॉल्यूशन भी देखें। आपको 2.6 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 3 कैपेसिटर जो है ईच कैपेसिटेंस 9 पिको फैरड है, तो पिको फैरड को आप फैरड में कन्वर्ट कर लें, 9 × 10⁻¹² फैरड से मल्टीप्लाई करके आपने कन्वर्ट कर लिया। ये सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में बेटा, और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ C1, C2, C3 वी पुट 9, तो आपको 9 पुट कर देना बेटा, तो 1/C = 1/9 + 1/9 + 1/9 = 3/9 = 1/3, तो 1/C = 1/3, सो 3 C = 3 pF, और पिको फैरड को आप फैरड लिखना चाहें तो 10⁻¹² आ जाएगा, बिकॉज 1 pF = 10⁻¹² फैरड, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 10⁻¹² फैरड। एक तो था ये आपका कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, टोटल कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालें, तो ये आंसर आ गया आपका बेटा। वो कह रहा है कि 120 वोल्ट से ये कनेक्ट है पूरा सिस्टम, तो यहाँ पे Q = CV से सी आपने देखिए ये फाइंड किया और बी यहाँ पर टोटल दे ही रहा बेटा, तो ये टोटल आ जाएगा 360 pF चार्ज हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता, सेम रहता, देखो आप प्लस क्यू यहाँ पर होगा, माइनस क्यू, फिर आगे बढ़ोगे तो प्लस क्यू बेटा, और फिर ये माइनस क्यू, इस तरह से ये आते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रिमेन सिमिलर। तो जो आपने पहले Q = CV से जो चार्ज फाइंड किया बेटा, वही हर प्लेट पे होगा। तो अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर लेते हैं, जैसे फर्स्ट कैपेसिटर, तो चार्ज तो हो जाएगा क्यू, कैपेसिटेंस है C1, तो पोटेंशियल जो यहाँ पर V1 आएगा, उसका फॉर्मूला जाएगा V1 = Q/C1 बेटा, V1 = Q/C1, तो क्यू दे रहा 360, C1 दे रहा 9, तो ये आपका हो जाएगा 40 वोल्ट, ये हो जाएगा 40 वोल्ट बेटा, ठीक है। ऐसे ही आप V2 निकालेंगे तो 360/9 ये सभी वही आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं और सभी का आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट बेटा, 360/9 से ये सभी का आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7, ठीक है, 2.7 भी देखें आप, तो एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड करें 2.7 बेटा, ठीक है। 2.7 देखिए, 2.7 में दो कैपेसिटेंस दे रहा है, और अब जो है यहाँ पर वो यूज कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमको पता होना चाहिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, ठीक है, उसका फार्मूला क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो जो सेवेंथ क्वेश्चन है बेटा, उसको एक बार ध्यान से देखें, मैं रीड कर रहा हूँ सेवेंथ क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन 2.7 बेटा, 2.7 क्वेश्चन है, उसको देखिए एक बार ध्यान से करिए बेटा, 2.7 देखिए बेटा, हेलो, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 pF 3 और 4, इसका सेंस है बेटा C1 = 2 pF, C1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 pF के बेटा। ऐसे ही आप देखें C2 = 3 pF और C3 = बेटा 4 pF, तो इसमें क्या है कि C1 के बने, C2 के बने, C3 के बने, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये जो सभी कनेक्ट है बेटा, ये सभी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 + C3 बेटा, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो क्या फॉर्मूला होता है, C = C1 + C2 + C3 बेटा, तो 2 + 3 + 4 करेंगे, 2 + 3 + 4 करेंगे बेटा, तो 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, तो 9 pF, ये इसका आंसर हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस का बेटा। फिर बात ध्यान सुन लें, C1 2 pF, C2 3 pF, C3 4 pF, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो C = C1 + C2 + C3, 2 + 3 + 4 = 9 pF, तो ये जो पहला है बेटा
ठीक है, इसका देखिए आंसर आपके पास आ गया बेटा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट जो है बेटा, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब ये 100 वोल्ट से कनेक्ट है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि जो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो होता है बेटा वो चार्ज सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। तो C1 दे रहा, C2 दे रहा, C3 दे रहा, पैरेलल में आपने ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हर जगह भी ये आपको गिवन जो पोटेंशियल है वही होगा बेटा। तो चार्ज ऑन द फर्स्ट Q1 इज इक्वल टू C1B, तो C1 इंटू बी तो ये आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। और Q2 इज इक्वल टू C2B, आपने C2 पुट कर दिया। यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ पर ये पिको कूलम होगा बेटा, जब ये पिको में है सब। ठीक है बेटा, तो आप जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यहाँ पर पिको कूलम में ये आंसर आएगा। ठीक है, मैं सही करके PDF भेज दूंगा, तो यहाँ पर ये पिको कूलम में ये आंसर होगा सभी। ठीक है बेटा, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू बी, तो 2 × 100, ये 200 पिको कूलम हो जाएगा। Q2 इज इक्वल टू C2B, तो ये आपका 300 पिको कूलम हो जाएगा। और Q3 इज इक्वल टू C3B, तो 4 × 100, ये 400 पिको कूलम। तो जो हमको ध्यान क्या रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहता है, तो हर जगह बी आपका 100 100 आएगा बेटा। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था बेटा, उसका था मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है बेटा ध्यान से देखें, 2.8 बेटा, 2.8 क्वेश्चन देखें ध्यान से, मैं रीड कर रहा हूँ। 2.8 बेटा, इसको देखें 2.8 को बेटा, यहाँ पे दे रहा बेटा इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, उसके बीच में एयर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ईच प्लेट हैज एन एरिया 6 × 10⁻³ m², तो जो एरिया बेटा वो आपको दे रहा है 6 × 10⁻³ m², ठीक है, ये एरिया दे रहा है बेटा 6 × 10⁻³ m² एरिया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm, तो डिस्टेंस दे रहा है, डिस्टेंस आपका डी होता है, ये 3 mm दे रहा है बेटा, तो 3 × 10⁻³ ये मीटर हो जाएगा, बिकॉज इन 1 mm 10⁻³ m, 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ m बेटा। तो एक तो आपको एरिया दे रहा है, तो वो आपको ए सिंबल ए हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा बेटा। फिर आपको डिस्टेंस गिवेन है, तो ये डी हो जाएगा। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो एयर में फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एयर के लिए फॉर्मूला FεoA/D बेटा। ठीक है, ये एयर के लिए होता है, इसका सिंबल आप सिंगल मान लें, सी मान लें, सिंगल के लिए कुछ भी मान सकते बेटा। FεoA/D, तो देखिए एरिया भी गिवेन है, डी भी गिवेन है, और FεoA की वैल्यू हमको पता होती है 8.854 × 10⁻½ बेटा। तो यहाँ से कैपेसिटेंस फाइंड हो जाएगा, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा बेटा। इसके बाद जो दे रहा बेटा ध्यान से देखें आप, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अब ये 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो फिर Q इक्वल टू CV से आप चार्ज फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2.8 है उसका देखिए सॉल्यूशन जो है किस तरह से होगा 2.8 का बेटा। देखिए तो 2.8 का सॉल्यूशन देखा बेटा आपको, ठीक है, एरिया 6 × 10⁻³ m², डिस्टेंस 3 mm, मिलीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, तो 3 × 10⁻³ m बेटा। ठीक है, ये केस है एयर का, कैपेसिटेंस इन एयर FεoA/D, पुट द वैल्यू ऑफ FεoA 8.854 × 10⁻½, एरिया 6 × 10⁻³, ये वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गया। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला बेटा। ठीक है, ये कैपेसिटेंस हमारा आ गया। वोल्टेज इज गिवन 100 वोल्ट, अब वो कह रहा है कि जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो 100 वोल्ट है। आप चार्ज फाइंड करिए, क्यू फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू C × V, तो पुट द वैल्यू ऑफ सी, आप देखेंगे जो सी की वैल्यू है बेटा, ये देखिए सी की वैल्यू है ये वाली, ठीक है बेटा, और ये वैल्यू भी है, तो C × V में आप ये वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से चार्ज आ जाएगा बेटा। तो ये आपका फैरड में है, 100 आ गया, तो -12 और ये 100 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा।
इतना ये कूलाम जो है वो चार्ज आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटा 2.8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है 2.9 देखिए ध्यान से बेटा, 2.9 देखें। देखो बेटा 2.9 को आप देखें, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन एक्सरसाइज 2.8। मतलब ये अभी जो आपने क्वेश्चन किया 2.8, ये इसका अगला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2.9 है लेकिन इसी के आगे स्टार्ट कर रहा है। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन एक्सरसाइज 2.8 ए 3 मिलीमीटर थिक माइका। अब देखो 3 मिलीमीटर ही डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट था और उसने डायरेक्टिक रखा, डायरेक्टिक सब 3 मिलीमीटर, यानी कि ये फुलफिल कंडीशन का हो गया बेटा। एग्जांपल ये कैपेसिटर है और इसी के बीच में ये पूरा जो फुलफिल है ये डायरेक्टिक स्लैब ने इसे फिल कर दिया, तो ये फुलफिल कंडीशन का हो जाएगा और उसके लिए फॉर्मूला था के एफ साल एम नॉट ए अपॉन डी। तो ये 3 मिलीमीटर तो आपको उसकी थिकनेस दे रहा, तो यहाँ पर टी जो है वो डी के इक्वल है। ठीक है बेटा, ये फुलफिल कंडीशन है। डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट 6 गिवन है इसका, वर इंजेक्टेड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, और इसने ये बताया है कि ए व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेंस कांस्टेंट और आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्ट। तो देखो बेटा जब वोल्टेज सप्लाई रिमेंस कनेक्टेड है इसका सेंस होता है वोल्टेज सेम, जितना पहले वोल्टेज था उतना ही वोल्टेज रहेगा और कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा और बाकी चार्ज आप क्यू इक्वल टू सीवी करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्ट, तो जितना क्वेश्चन नंबर 2.8 में चार्ज था उतना ही अब चार्ज रहेगा क्योंकि सप्लाई का डिस्कनेक्ट हो जाती है बेटा तो चार्ज सेम रहता है। मैंने आपको बताया था व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्ट सप्लाई इज डिस्कनेक्ट, ठीक है, देन चार्ज रिमेंस सिमिलर। और इस चार्ज रिमेंस सिमिलर होगा तो क्यू तो सेम हो जाएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का, सी के टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ से पोटेंशियल निकलेगा। तो देखिए ये 2.9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस 2.9 बेटा, कैपेसिटेंस आपको 1.72/-11 दे रहा। ठीक है बेटा, यहाँ से जब आप करेंगे, ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस दे रहा, ये 100 वोल्ट इसी का ही वोल्टेज दे रहा, पहले वाले केस का ये 100 वोल्ट था बेटा, 100 वोल्ट आ गए बिफोर डायरेक्टिक है और चार्ज भी आपको डायरेक्टिक दे रहा क्यू नॉट ये। ठीक है बेटा, ये चार्ज दे रहा आपको, टी 3 मिलीमीटर दे रहा, टी इक्वल टू डी, ये फुलफिल कंडीशन का है। अब देखिए केस फर्स्ट बेटा, वोल्टेज रिमेंस कॉन्स्टेंट, अगर बैटरी करेक्ट है तो वोल्टेज रिमेंस कॉन्स्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस सिमिलर। पहले वोल्टेज वी नॉट हमने सपोज किया 100 वोल्ट था तो अब भी 100 वोल्ट ही है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज अब रहेगा 100। फुलफिल कंडीशन है तो केसी नॉट जो है वो कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो ईयर में कैपेसिटेंस 1.77 थी, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे ये दिख लेगा यहाँ से आके बेटा, तो ये 1.77 हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये कैपेसिटेंस आ गया, फॉर्मूला जाएगा Q इक्वल टू CV। तो C जो वैल्यू आ रही बेटा ये सॉल्व होके इसमें पुट कर दें आप, और B आपका ये है ही बेटा। ठीक है, तो C की वैल्यू इसमें पुट कर दें और B की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये चार्ज निकल जाएगा। जब वो कहता है बैटरी कनेक्टेड है, सोर्स कनेक्टेड है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जितना लास्ट क्वेश्चन था पोटेंशियल वही अब होगा, बिफोर डायरेक्टिव और आफ्टर डायरेक्टिव ये पोटेंशियल सेम है। हाँ, आफ्टर डायरेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा के टाइम्स हो जाएगा, तो आपने के टाइम्स कर दिया, चार्ज यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट था कि बैटरी डिस्कनेक्ट, बैटरी डिस्कनेक्ट है तो चार्ज सेम होगा, तो बिफोर जो चार्ज था ये वाला जिसे हमने सिंबल क्यू नॉट ले दिया बेटा, वो ही अब बाद में चार्ज होगा। देखिए क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, चार्ज सेम है यहाँ पे, जितना पहले था उतना ही चार्ज है बेटा। कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्ट स्लैब फुलफिल कंडीशन में आ गया तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, आपने ही निकाल दिया 6 का मल्टीप्लाई करके, तो क्यू आ गया सी आ गया बेटा। अब वोल्टेज कैसे निकलेगा, बी इक्वल टू क्यू अपॉन सी से। ठीक है, तो आप B इक्वल टू क्यू अपॉन सी कर दें, B इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो क्यू अपॉन के सी नॉट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से ये वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें ध्यान से जो नेक्स्ट हमारा है 2.10 बेटा, ए 12 पिकोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है बेटा, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप इसे निकाल देंगे। ठीक है, देखिए बेटा इसी को आप जब निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इसमें जो है आप हाफ सी वी स्क्वायर कर देंगे, तो जो सी दे रहा था 12 पिको फैरड वो 12 × 10^-12 हो जाएगा, 50 वोल्ट है एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर तो हाफ हो गया, ये सी बेटा ये बी, बी स्क्वायर से इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.5 × 10^-50 5 जूल। ठीक है,
तो आपको सी गिवन है, बी गिवन है, पिको फैरड को आप फैरड में कन्वर्ट कर दें, आंसर आ जाएगा बेटा। जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक बार मैं इसको भी रीड कर दूं बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है, देखिए 600 पिको फैरड इज कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बोल्ट। तो ये देखिए ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा बेटा B1। इट इज द डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड है ठीक है, अनचार्ज कैपेसिटर के लिए चार्ज भी जीरो हो जाएगा बेटा और पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा ठीक है। कैपेसिटेंस इसकी हम C2 मान लेंगे जो 600 आपको दे रहा है, ये दूसरा आपका पिको फैरड बेटा। तो ये देखिए C1 दे रहा, ये B1 दे रहा, हाँ ये C2 दे रहा, Q2 और B2 जीरो हो गए क्योंकि अनचार्ज है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो मैंने देखिए एक टॉपिक कराया था आपको, एनर्जी लॉस व्हेन टू कैपेसिटर और कंडक्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, पूरा एक टॉपिक कराया था। और जो उसमें एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला आया था बेटा, वो फॉर्मूला हमारे पास था C1 C2 B1 - B2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 + C2 ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें C1 भी दे रहा, C2 भी दे रहा, B1 दे रहा, B2 सब दे रहे बेटा। तो आप C1 C2 और ये वैल्यू पुट कर दें आप इसमें आप, ठीक है बेटा। तो देखिए जब इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे ये ठीक है, तो देखिए जब वैल्यू पुट किया आपने, देखिए बेटा तो इसमें जो है जब वैल्यू पुट की तो देखिए ये C1 आ गया, ये C2, ये B1 200 - 0² हो जाएगा, ये 2 C1 + C2 बेटा। इतना आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻⁶ जूल, एनर्जी लॉस है इसलिए आंसर जूल में आएगा बेटा। तो बेटा इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा और नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।